वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्डप्रेस की कंपनी सी है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एसएमएस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो एसएमएस की नीड क्यों होती है, यदि आपने कोई वेबसाइट क्रिएट कर ली है या अदर वेबसाइट क्रिएट की है, तो यहाँ पे मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो प्रोडक्ट पे आप क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पे आपने क्लिक कर लिया है, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट रहता है, तो जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, उसके बाद ऐड टू कार्ट में क्लिक करता है, ठीक है, तो उसके कार्ट में ऐड हो जाता है। ऐड करने के बाद जब भी वो चेकआउट पे क्लिक करता है, चेकआउट पे आपने, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे चेकआउट पे, तो चेकआउट पे आ गया, ठीक है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालता है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेता है बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे पेपाल करना है, और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता है। उसके बाद तो प्लेस ऑर्डर करने के बाद उसके पास एक एसएमएस जाता है, ठीक है। तो वो एसएमएस कब जाएगा, जबकि इसमें एसएमएस गेटवे इंटीग्रेट होगा वेबसाइट में। तो एसएमएस गेटवे इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके बैकएंड में जाइए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको प्लगइन्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जो भी प्लगइन हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसको हम सर्च करेंगे। तो सर्च करने के लिए आपको कीवर्ड जो यूज करने हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है एसएमएस, ठीक है। तो एसएमएस टाइप करते ही यहाँ पे आपके प्लगइन्स आ जाएंगे, तो जो बेस्ट होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लगइन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे एसएमएस अलर्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन, ठीक है, जब भी कोई ऑर्डर करेगा कैंसिल करेगा तो उसको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इंस्टॉल कर देता हूँ मैं यहाँ पे इंस्टॉल, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉलेशन आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करती है, आपका इंटरनेट कनेक्शन जितना अच्छा होगा जो जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा, यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो वो थोड़ा टाइम लेगा। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद आपको एक्टिवेट कर देना है। के बाद आपको एक्टिवेट कर लेना, एक्टिवेट हो जाने के बाद आप प्लगइन्स में आपको मिल जाएगा एसएमएस अलर्ट वूकॉमर्स। तो उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड, एसएमएस जब भी हमें इंटीग्रेट करने होते हैं तो हमें एसएमएस के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलना चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, साइन अप हियर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम लेना है, ठीक है। तो यूजर नेम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यूजर नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम टेक्नो स्मार्टर। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर आपको जरूर फिल करना है, तो मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। या साइन इन आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। गूगल के थ्रू भी आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके मेल आईडी पर, ठीक है, आपकी मेल आईडी पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। तो अपनी ईमेल आईडी से यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये मेरा यूजर नेम हो गया, सपोज कीजिए ये मेरा यूजर नेम हो गया, और वहाँ से मुझे जो पासवर्ड मिल रहा था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर दिया। इससे पहले मैंने ट्यूटोरियल बताया था, कंप्लीट वहाँ पे ट्यूटोरियल बताया था। तो उसके बाद आपको 5 एसएमएस क्रेडिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। 5 एसएमएस क्रेडिट मींस आप 5 नॉन डीएनडी नंबर पर उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 5 नॉन डीएनडी नंबर पर आप उनको ट्राई कर सकते हो यहाँ पे।
उसके बाद आपको एसएमएस क्रेडिट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि 5 SMS क्रेडिट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप प्रोसेस कम्प्लीटली देख सकते हैं वन बाय वन। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मैसेज आपको यहाँ पे क्रेडिट हो चुके हैं। नॉन DND नंबर ध्यान रखिए कि नॉन DND नंबर ही डालेंगे तो ये आपके लिए यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डेमो मैसेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो विशाल, थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर, ऑर्डर ID यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और नेम आ जाता है, जो भी शॉप का नेम होगा, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो यदि फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको सोल्यूशन दे दूंगा। और यदि आपको कोई ट्यूटोरियल पसंद आया तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट की, अभी मुझे इनिशियल लेवल पर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।